हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में सॉफ्टवेयर बनाने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है, तो ये 2007 वर्जन मैंने ओपन किया है और इसी पर मैं काम करके आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करना क्या, आपको ब्लैंक डेटाबेस पे जाना है। जैसे ही आप ब्लैंक डेटाबेस पे जाते हो तो यहां पर डेटाबेस का नाम आ जाता है। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग डेटाबेस का नाम चेंज कर सकते हैं। बाकी यहां पर ये देख सकते हैं, ये एक्सटेंशन है डेटाबेस की। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के फाइल की एक्सटेंशन क्या हो गई, ACCDB। समझ में आई बात, तो ये हो गया। यहां पर क्रिएट पे क्लिक कर देना है। आप चाहे तो नाम चेंज भी कर सकते हैं, फिर यहां पर क्लिक कीजिएगा तो यहां पर अब इसको मैं नाम दूंगा स्टॉक आइटम नाम दे देता हूं। इस टेबल को नाम दे दिया मैंने स्टॉक आइटम, ठीक है। और यहां पर आईडी आएगी, तो आईडी ये प्राइमरी की है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं। और यहां पे लिख देता हूं नेम ऑफ स्टॉक आइटम, नेम ऑफ स्टॉक आइटम, इस तरीके से मैं लिख देता हूं नेम ऑफ स्टॉक आइटम, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब यहां पर चाहे तो आप ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ड्रॉप डाउन नहीं बना रहे हैं, यहां पर टेक्स्ट डेटा टाइप रहने देते हैं। ये देख रहे हैं, यहां पर आपको टेक्स्ट डेटा टाइप रखना है। इनमें से कोई भी डेटा टाइप आप ले सकते हैं, लेकिन अगर स्टॉक आइटम का नाम लिखना है तो वो टेक्स्ट ही होगा, तो यहाँ पर टेक्स्ट डेटा टाइप आप रख लीजिएगा। फिर यहाँ पर प्राइस इसकी आएगी, तो प्राइस को आप करेंसी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर के करेंसी के लिए आपको करेंसी डेटा टाइप चूज करना होगा, तो ये करेंसी डेटा टाइप हो गया। फिर कितना बिका उसके लिए यूनिट, तो यूनिट को हम यहाँ पर जो है नंबर रखेंगे, और यहाँ पर डेसिमल में भी एंटर कर पाए इसके लिए यहाँ पर इसे बना देंगे डबल। इसके बाद यहाँ पर टोटल कर देंगे, यानी टोटल कैलकुलेट हम कहाँ से करेंगे, क्वेरी बना करके। तो टोटल को भी क्या रखने वाले हैं हम, नंबर। तो इस तरीके से ये कर लिया हमने काम। और आगे हमें क्या करना है, अगर इसी टेबल में चाहते हैं तो इसी टेबल में कर सकते हैं, या अदरवाइज दूसरे टेबल में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल चलिए एक ही टेबल में हम करके देखते हैं, वैसे दूसरे टेबल में भी जा सकते हैं। यहाँ पर आईडी आ रही है ना, तो ये आईडी प्राइमरी की है और इसे ऑटो नंबर रखा है। अगर दूसरे टेबल में जाएंगे तो रिलेशनशिप क्रिएट करानी होगी। चलिए इसी टेबल में बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं सेल। ये बताइए सेल अगर कैलकुलेट करना है, जैसे मान लीजिए कितना यूनिट सेल हुआ ये कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल यूनिट, ठीक है। अब यूनिट जो भी होगी उसमें से जो सेल होगा तो वो यहां पर आएगा, वो यहां पे कैलकुलेट होकर आएगा। समझ रहे हैं बात को। मान लीजिए दो सेल हो गया, तो दो सेल होगा तो वो यहां पर आप उस अमाउंट को यहां पे लिख देंगे, और फिर जो रेस्ट अमाउंट बचेगा उसको यहां पे लेके आना है, तो यहां पे लिख देता हूं रेस्ट अमाउंट। समझ में आ रही है बात, रेस्ट अमाउंट यहां पे कर दीजिएगा। सॉफ्टवेयर इसी तरीके से बनता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा सॉफ्टवेयर बन जाएगा। यहां पर आए और यहां से इसको नंबर कर लीजिएगा, नंबर कर लेने के बाद यहां से क्लिक कर दीजिए और यहां से यस कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये कर दिया हमने। अब देखिए इसमें मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपका जितना भी अमाउंट यहां पे है, जैसे मान लीजिए यहां नेम ऑफ स्टॉक आइटम में आए, यहां पे लिख दिया हमने कीबोर्ड, तो ये लिखा सीधा सीधा कीबोर्ड इस तरीके से। और यहां पर आएंगे कीबोर्ड की प्राइस है 230 रुपए, तो यहां पे डाल दिया। और यूनिट है 40, तो यहां पे डाल दिया। अब टोटल हमें कैलकुलेट करना होगा, ये बात ध्यान रखनी है कि टोटल हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब टोटल कैलकुलेट कैसे होगा, टोटल कैलकुलेट होगा क्वेरी बनाने से। तो यहाँ से क्रिएट पे जाके क्वेरी डिजाइन पे जाके हमें क्वेरी बनानी होगी, ऐड करवा लीजिएगा इस फील्ड को। और ऐड करवाने के बाद क्या कर रहा है, आपको यहाँ पर आकर के जो भी फील्ड्स की जरूरत पड़े, जैसे हमें नेम ऑफ स्टॉक आइटम चाहिए, प्राइस चाहिए, फिर यहाँ पे यूनिट चाहिए, टोटल चाहिए, ठीक है, फिर यहाँ पर सेल यूनिट चाहिए, फिर यहाँ रेस्ट अमाउंट चाहिए, सारा चीज चाहिए। तो टोटल करेंगे तो टोटल कैसे आएगा, देखिए टोटल के लिए आपको क्या करना है, कॉलन लगाना है और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है। स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया, यहाँ पे प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यूनिट से, तो टोटल आ जाएगा। तो ये प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट हो गया, तो ये टोटल आ जाएगा आपका, ठीक है। अब सेल यूनिट है तो कितना बिका वो आपको यहाँ डालना होगा, ठीक है। तो अगर हम यूनिट में से सेल यूनिट को माइनस कर देंगे तो हमारा रेस्ट अमाउंट आ जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये इसको थोड़ा सा जूम व्यू पे लेता हूँ, थोड़ा सा ये बड़ा दिखेगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये हो गया, यहाँ कॉलन लगाता हूँ। अब यूनिट में से हमें माइनस करना है, तो ये यूनिट हो गया, और यूनिट माइनस करिएगा क्या, यूनिट माइनस सेल यूनिट, तो ये सेल और फिर लिखा यूनिट। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, समझ में आ रही बात। और ये स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा, जब भी रहेगा तो क्या रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिए और यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, क्लोज कर दिया, बस ओके कर दीजिए यहां से। अब ये हो गया है काम हमारा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी चीजें आ जाएंगी ऑटोमेटिकली, टोटल आ रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है। अब यहाँ सेल यूनिट कितना बिका, 40 था तो कितना बिक गया ये आपको देना होगा। जैसे मान लीजिए 40 था और 2 5 बिक गया, तो कितना बचा आपके पास, 35 बच गया, ठीक है।
फिर यहां पर देखिए, यहां पर मैं लिखता हूं कीबोर्ड के बाद माउस एम ओ यू एस ई, यहां पर आए माउस की कीमत है 120 रुपए और यहां पर 66 माउस था, कीमत आ गई उसकी 60, बिक गया, कितना बचा 6 बचा हमारे पास, ठीक है 6 बच गया, समझ रहे हैं। तो आप इसी तरीके से सेट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। अब इसको हम फॉर्म में लेके जा सकते हैं, तो फॉर्म बना सकते हैं, इसके लिए तो फॉर्म बनाएंगे तो कहां से जाएंगे, यहां से जाएंगे, और यहां से हम चाहे तो विजर्ड से जा सकते हैं, तो ये फॉर्म विजर्ड दिया हुआ है, यहां से आप चले जाइए, तो यहां से जाएंगे तो इसको सेव करना होगा क्वेरी को, तो ये क्वेरी को सेव कर लेते हैं। और यहां पर क्या क्या चीजें चाहिए क्वेरी के ही अनुसार हम, अब देखिए यहां पर आपको फॉर्म भी मिलेगा, स्टॉक आइटम नाम का फॉर्म बनाया था हमने और ये क्वेरी वन से ही इसको सेव कर लिया हमने, तो ये सारी चीजें हमें चाहिए यहां पर जाकर के, कॉलमर फॉर्म में चाहिए, टेबुलर फॉर्म में चाहिए, जैसे भी चाहिए वो देख लीजिएगा, और यहां से जो भी स्टाइल आपको पसंद हो वो स्टाइल लेकर के, फिर यहां से मॉडिफाइड डिजाइन पे जा करके, और यहां पर स्टॉक डिटेल नाम से ये फॉर्म बना दीजिएगा, तो ये बना दिया स्टॉक डिटेल। अब ये फॉर्म बन गया हमारा, यहां से फिनिश कर दीजिए, तो एक तरह का एक सॉफ्टवेयर आप क्रिएट कर पाएंगे, तो ये सॉफ्टवेयर ही है एक तरह का छोटा सा, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि ये इस तरह के छोटे मोटे सॉफ्टवेयर आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये हो गया, अब यहां पर आपको बटन्स बनाने हैं, ठीक है, और इसकी सेटिंग थोड़ी सी करनी है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, बटन वगैरह बनाने के लिए यहां पे जा सकते हैं, ये जो दिख रहा है ना बटन, यहां पर जाकर के आप बटन बना सकते हैं, समझ में आ रही है बात। तो यहां पे बटन बनाने के लिए इस पर क्लिक कीजिए और यहां पर आप बटन बना लीजिए, तो ये हमने एक ड्रैग कराया, एक विंडो ओपन होगी, और विंडो ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, यहां पर ओपन फॉर्म का बटन बनाना है कि प्रिंट का बटन बनाना है, या फिर यहां पर देख सकते हैं ऐड अ न्यू रिकॉर्ड का बटन है, डिलीट रिकॉर्ड का बटन है, तो यहां पर डिलीट रिकॉर्ड का बटन फिलहाल मैं बना लेता हूं, ठीक है। यहां पर टेक्स्ट रखेंगे, यहां पर इस तरीके से करके इसको फिनिश करवा लेंगे, तो ये देखिए डिलीट रिकॉर्ड का बटन बन गया हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे भी और भी बटन आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहां पर नेम ऑफ स्टॉक आइटम है, स्टॉक आइटम एक से ज्यादा हो सकता है, तो आप स्टॉक आइटम के बेस पे सर्च करना चाहते हैं तो यहां से जा सकते हैं, ये देख रहे हैं कॉम्बो बॉक्स, यहां पर जाइए क्लिक कीजिए और यहां पर इसको इस तरीके से ड्रैग करवा देंगे, जब ड्रैग करवाएंगे ये विंडो ओपन होगी, यहां पर थर्ड ऑप्शन पर टिक करके आगे बढ़िएगा और यहां पे नेम ऑफ स्टॉक आइटम इसी के बेस पे हम करेंगे सर्च, तो इसको लेकर के यहां से नेक्स्ट करके, और यहां पर स्टॉक आइटम वन आ रहा है, वन हटा दीजिएगा, बाकी फिनिश पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये जब आ जाए तो यहां पर इसका बैकग्राउंड हमें चेंज करना है कि नहीं करना है ये देखना पड़ेगा, तो यहां पर अगर बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो तो ये बहुत ही इजीली कर सकते हैं, इसके कई तरीके हो सकते हैं, वैसे सबसे आसान तरीका क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी पहले क्या करना है, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए, यहां से जो आ रहा है ना इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम, और सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड कर लिया, इसका कलर चेंज कर देंगे, यहां से आके इसको व्हाइट कर देंगे ताकि ये दिखाई अच्छे से दे, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से, समझ में आ रही है बात, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, ये हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, व्यू पे सीधा क्लिक करेंगे, और व्यू पे भी क्लिक करने के पहले यहां से हम क्या करेंगे, इस फॉर्म पे जाएंगे और यहां से पॉपअप को ऑन करना है हमें, पॉपअप एक मिलेगा आपको इसमें फॉर्म के अंदर, तो ये फॉर्म पे जब जाएंगे ना तो यहां पे पॉपअप मिलेगा, ताकि ये लुक जो है आपको सॉफ्टवेयर जैसा दिखने लगे, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं, ये सेव कर लिया हमने स्टॉक डिटेल के नाम से, ये हमारा फॉर्म बना हुआ है। तो ये देखिए एक सॉफ्टवेयर आपके पास क्रिएट हो गया। अब यहां से डिलीट रिकॉर्ड, कौन सा रिकॉर्ड ओपन है, अब देखिए यहां से जाएंगे ना तो अगर माउस पे जाएंगे तो यहाँ पे माउस वाला डिटेल खुल जाएगा कि कितना बचा हुआ है, कितना बिक गया, समझ में आ रही है बात। तो ऐसे आप कर सकते हैं, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा और साथ ही कोई डिमांड हो तो जरूर बताइएगा, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी डिमांड को पूरा करने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।